साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ 631 NIOS 12th क्लास का प्रैक्टिकल कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन उर्दू में। तो किस तरह बनाना है, प्रैक्टिकल 1, फाइल और फोल्डर को तलाश करना, तरीका का स्टार्ट पर क्लिक करना, उसके बाद सेलेक्ट फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करना, फाइल और फोल्डर का नाम टाइप कर दें और हमारे सामने हमारी फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। इसके अलावा F3 कर दें तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा और फिर फाइल या फोल्डर का नाम टाइप कर दें तो हमारी फाइल या फोल्डर हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें या नेट से ढूंढ लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है कि फाइल को ओपन करना, रिमेनिंग करना, रीनेमिंग, मूविंग, कॉपी और डिलीट करने का क्या तरीका है। तो तरीका कार के अंदर है, अगर हमें फाइल को खोलना है तो हम शॉर्टकट के जरिए कंट्रोल ओ कर देंगे, इसके अलावा फाइल का नाम टाइप करेंगे कि हमारी फाइल खुल जाएगी। रीनेम के लिए फाइल में जाकर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कर देंगे और जो हमें नाम देना है वो दे देंगे। इसके बाद इसका जो है फ़ोटो भी दे रखा है यहाँ पे, ये क्लिक कर लीजिएगा। रीनेम का भी दे रखा है और कॉपी का भी दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे मूव का दे रखा है, मूव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ठीक है, और रीनेम कैसे करना है। इसके बाद मूव करने के लिए हम सबसे पहले शॉर्टकट के ज़रिए कंट्रोल एक्स कर देंगे और जहाँ मूव करना चाहते हैं वहाँ जाकर कंट्रोल वी कर देंगे, हमारी फाइल मूव हो जाएगी। कॉपी करने की शॉर्टकट के ज़रिए पहले कंट्रोल सी कर देंगे, इसके बाद कंट्रोल वी कर देंगे। फाइल को डिलीट करने के लिए हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे या शिफ्ट डिलीट कर देंगे तो हमारी फाइल आसानी से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 है MS एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने तरीका का। एक्सेल में चार्ट को अगर इंसर्ट करना है तो हमें डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर चार्ट को इंसर्ट करेंगे और अपनी चॉइस के मुताबिक चार्ट को सेलेक्ट कर देंगे। इसमें डिफरेंट तरह के चार्ट होते हैं, 2D कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, 3D चार्ट, इस तरह के चार्ट होते हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं ये सब चार्ट की अलग अलग किस्में हैं। तो इसका एक फ़ोटो आप एक पेज पे लगा देंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 शुरू हो जाएगा, इंटरनेट के ज़रिए फाइल को डाउनलोड करना और अपनी पसंद की लोकेशन पर। अगर हमको इंटरनेट से की तरह फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम फाइल का नाम लिखेंगे, हम डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर कंप्लेन उसको सेव करेंगे, पहले उसकी लोकेशन हमसे पूछेंगे तो हम सेव करने से पहले लोकेशन जैसा कि डेस्कटॉप या फाइल पे होती है डाल देंगे और फाइल हो जाएगी। इस तरह से देखें, एक फ़ोटो ये लगा दीजिएगा और एक फ़ोटो ये। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 है, अपने डॉक्यूमेंट में बुलेट और टैब लगाना, हेडर और फुटर लगाना, पेज नंबर लगाना, बॉर्डर लगाना, ग्राफिक लगाना और बुलेट लगाना, ये सारी बातें आप उसमें लिखेंगे। होम में जाकर बुलेट पर क्लिक करेंगे और करेंगे टैब लगाने के लिए सीधे रूलर पर जाकर टैब लगा क्लिक कर देंगे। इस तरह हम देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो ये लगा दीजिएगा और एक फ़ोटो ये लगा दीजिए, आगे भी फोटोज हैं, ये वाले भी फ़ोटो आप लगा दीजिए, ठीक है, हेडर फुटर। इसके बाद टैब लगाकर काम कर सकते हैं। हेडर फुटर लगाने के लिए हम इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे, हेडर के ऑप्शन पर कस्टम करेंगे, जो भी हेडर में लिखना चाहते हैं लिख देंगे और फुटर पे क्लिक करेंगे और फिर हम प्रिंटिंग हो जाएगा। इसी तरह पेज में अगर लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट के ऑप्शन में जाके उसे भी ऐसे अंजाम दें, देख सकते हैं आपकी फ़ोटो ये है और एक फ़ोटो ये। बॉर्डर लगाने के लिए हम पेज लेआउट के ऑप्शन में जाकर हम पेज बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही बॉर्डर लगाना चाहते हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे और हमारा बॉर्डर आ जाएगा, ये देखिए बॉर्डर। प्रैक्टिकल नंबर 7 है, मेल मर्ज में लेबल्स को बताते हुए एड्रेस लिस्ट को मर्ज करना। हमको मेल मर्ज को समझने के लिए एक आसान तरीका ये है कि दर्ज तस्वीर को आसानी से समझा जा सके, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये लगा दीजिए, एक पिक्चर ये है ये भी लगा दीजिए। प्रैक्टिकल नंबर 8 है MS Excel। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 8 है MS Excel में फार्मूला
को अप्लाई करना। फॉर्मूला का मंदरज है टेबल के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। ये एक टेबल के जरिए यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, फार्मूला को, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा पिक्चर भी लगा दी जिससे भी आप फार्मूला लगे हुए हैं। इसी तरह आप भी बना लें। प्रैक्टिकल नंबर 9 है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड में डिज़ाइन टेम्पलेट लगाना। पावर पॉइंट में स्लाइड में डिज़ाइन टेम्पलेट को लगाने का सबसे पहले हमको डिज़ाइन मेन्यू के ऑप्शन में जाकर वहाँ पर हम बहुत से डिज़ाइन टेम्पलेट नज़र आएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, हमको दर्जे तस्वीर भी समझ सकते हैं। ये फोटो देख सकते इस तरह भी लगा सकते हैं, फोटो लगा दिएगा। और यहाँ पे जो है ये वाला कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का जो प्रैक्टिकल था ये पूरा हो गया। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आया होगा प्रैक्टिकल। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपडेट्स के लिए। शुक्रिया।